बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बेटा, क्रैश 2 की डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज 2 में सीरीज 1 खत्म हुई आपकी क्रैश की, उससे पहले आपके यूनिट वाइज थे, यूनिट वाइज के बाद आपकी सीरीज 1 चली क्रैश की, जिसमें आपके 4 टेस्ट थे, और उसके बाद आपकी सीरीज 2 है, उसमें हम क्रैश 2 की बात कर रहे हैं। क्रैश 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, आपको पेपर में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लाजमी तौर पर स्पेलिंग के आएंगे, क्योंकि अगर आप पीएमसी का पास पेपर देखते हैं 2020 का, उसमें 4 क्वेश्चन स्पेलिंग्स के थे। आपको करना क्या, सिंपल काम आपको करना है इसके लिए, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है 12,000 क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं किसके, स्पेलिंग्स के, वो कैप के पोर्शन में जब आप जाकर देखेंगे, आपको उस उन वर्ड्स को सिर्फ एक दफा पढ़ना है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने वाली बात भी कोई नहीं है, आपको उनको जरा एक उन वर्ड्स को एक दफा जरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, नजर से गुजार लेना है, एंड आई बेट आई बिलीव कि उन 200 वर्ड्स में से 199 वर्ड्स आपको पहले से आते होंगे। आपको जरा सी भी रेजिस्टेंस की, जरा सी भी परेशानी की जरूरत नहीं होगी, उनको एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा, मेरी मेरी रिकमेंडेशन पे पेपर में क्वेश्चन जरूर आपको आएगा स्पेलिंग का। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग में हमारे पास जो वर्ड हमें जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है, वो हमारे पास एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के स्पेलिंग हम बड़े अच्छे से समझते हैं, हमें ई एक्स के बाद एच लिखना होता है, एच के बाद आई बी आई लिखना होता है, और उसके बाद हमें टी आई ओ एन लिखना होता है। हम ए के साथ नहीं लिखते हैं, ई के साथ नहीं लिखते हैं, और एच के बगैर नहीं लिखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव हर कॉफी। ये बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ, बार बार बोलता आ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। और डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, फैक्ट एंड फिगर। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, मैसेज। जब भी आप कोई बात कन्वे करते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते हैं सिंपली, तो हम ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटिव बोलते हैं। लेकिन जब आप कोई ऑर्डर देते हैं, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या जब आप किसी काम की नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं, या किसी काम से मना करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे इंपेरेटिव। और इसमें एक और काइंड आपने याद रखनी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव हम किसको बोलते हैं, ऑप्टेटिव हम बोलते हैं कर्स को, ऑप्टेटिव हम किसको बोलते हैं, प्रे को। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है कौन सी काइंड है। सेंटेंस है गिव हर कॉफी, गिव हर कॉफी कोई स्टेटमेंट नहीं है, गिव हर कॉफी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो इसको हम किस जमरे में लिखेंगे, इंपेरेटिव में। और असल में ये क्या है, एक ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यू हैव टू चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ कॉमा। सबसे पहली बात यह है कि जब आप विच लिखते हैं रिलेटिव के लिए, तो आपको उसको कॉमा के साथ लिखना होता है। देखें, हम ह्यूमन बींग को रिलेटिव केस में ह्यूमन बींग के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं, हम हु का वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, हुम का वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज का वर्ड यूज करते हैं पोजेशन के लिए। ये पूरा एक रिलेटिव का केस था, जो आपको पूरा एक रूल पढ़ाया गया था आपकी बुक में, लिखा हुआ है ग्रिप इंस्टीट्यूट के, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपको सारा रूल बताया गया, समझाया गया, और उसके सेंटेंसेस और उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी आपको बताए गए। और अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए या तो हम डैट का वर्ड यूज करते हैं, या हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विच का। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था छोटा सा, कि अगर आपके सेंटेंस में कॉमा या प्रेपोजिशन होगा, तो आपको क्या लिखना है, विच। इट मीन्स अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन में विच के साथ कॉमा नहीं लिखा हुआ, तो दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत। आपका चार्ली डेल्टा क्या होगा, गलत। बाकी हमारे पास क्या बचता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में द वॉलपेपर विच वॉज ग्रीन रेड एंड ब्लैक। अब हमें ग्रीन और रेड को सेपरेट करने के लिए डेफिनेटली क्या लिखना है, कॉमा लिखना है, जो कि नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही इज अ मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। देखिए, चाइल्ड तो हो नहीं सकता, यहाँ पर हमें जो वर्ड चाहिए, इट मस्ट बी एन एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें सिंप्लिसिटी को मॉडिफाई करना है। चाइल्डलेस हो नहीं सकता, चाइल्डलेस डजंट सूट हेयर, डजंट सूट हेयर, सूट हेयर। तो हमारे पास क्या होएगा, दो वर्ड हमारे पास बचते हैं, हमारे पास वर्ड बचता है चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। अब इन दो वर्ड को जरा अच्छे से समझिएगा, चाइल्ड लाइक का मतलब ही बच्चगाना होता है, और चाइल्डिश का मतलब ही बच्चगाना होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, दोनों की इंटेंसिटी में फर्क होता है। अगर तो आप फुलिशनेस की बात करते हैं, कि यार बच्चों की तरह अहमकाना काम ना करें, तो देन हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, चाइल्डिश। और अगर जब आप इनोसेंस की बात करते हैं, इनोसेंट की बात करते हैं, कि बच्चों की तरह मासूम है, बच्चों की तरह की मासूमियत है, तो देन हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, चाइल्ड लाइक का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी फुलिशनेस तो के साथ तो हो नहीं सकती, तो सिंप्लिसिटी को हम किसके साथ मॉडिफाई
करेंगे एडजेक्टिव के साथ, किस एडजेक्टिव के साथ, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी के साथ। दोनों वर्ड का डिफरेंस याद रखिएगा, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंस, इनोसेंट, और चाइल्डिश का मतलब होता है फुलिशनेस, फुलिश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, देन माई एफर्ट्स डैश सक्सीड। डेफिनेटली अगर आपको फ्यूचर के लिए लिखना होता है, नेक्स्ट ईयर मतलब हमें कौन सा टाइम जज करने के लिए कहा गया है, कौन सा टाइम में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्यूचर में। जब आप दोनों बातें फ्यूचर में लिखेंगे तो आपको एक बात तो प्रेजेंट में करनी होती है, दूसरी किस में करनी होती है, फ्यूचर में। तो इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। आप इसको कंप्लीट करेंगे, देन माई एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली डैश अ लॉन्ग टाइम। सिंपल सी बात है, 12 दफा आपको पहले बताया जा चुका है कि फॉर और सिंस, अगर आप किसी एक्शन का ड्यूरेशन बताएंगे, अगर आप किसी एक्शन का पीरियड बताएंगे, तो देन आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फॉर। और अगर आप किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताएंगे, किसी एक्शन का बिगिनिंग बताएंगे, तो देन आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिंस। अब यहाँ पर है डैश अ लॉन्ग टाइम, तो इसके लिए हम सिंस का वर्ड, टिल का वर्ड, फ्रॉम का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसका वर्ड हम कौन सा, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फॉर का। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नथिंग एल्स, सिंपल है, नॉट ओनली का हम जो पेयर बनाते हैं, कोरिलेटिव बनाते हैं, वो किसके साथ बनाते हैं, बट आल्सो के साथ। लेकिन ये सिर्फ नॉट ओनली बट आल्सो नहीं होता, ये नथिंग नॉट ओनली के साथ, हम नथिंग भी लिखेंगे तो नथिंग के साथ भी क्या होगा, बट होगा। अगर हम नॉट भी लिखेंगे तो नॉट के साथ भी क्या होगा, बट होगा। आपने याद रखना है, नथिंग का हम पेयर किसके साथ बनाएंगे, कोरिलेटिव किसके साथ बनाएंगे, नथिंग का कोरिलेटिव वेन के साथ नहीं बनेगा, देन के साथ नहीं बनेगा, लेस्ट के साथ नहीं बनेगा। लेस्ट का कोरिलेटिव किसके साथ बनता है, शुड के साथ लेस्ट होता है। ये हम कौन से सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं रन फास्ट, तेज भागो, ऐसा ना हो के हार जाओ, तो हम क्या लिखते हैं, रन फास्ट, लेस्ट कॉमन नहीं आएगा, लेस्ट यू शुड लूज। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अगर आपको शेख सादी का सेंटेंस याद हो, बादशाह कहता है नमक की कीमत अदा करो, ऐसा ना हो कि ये रिवाज बन जाए, तो सेंटेंस था पे फॉर दिस आर्ट लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम। उसके लिए हम लेस्ट और शुड का यूज करते हैं। हम नथिंग के साथ किसका कोरिलेटिव बनाएंगे, बट का, और वो एक ही सेंटेंस में बना हुआ है, डेट इज बीटा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद स्पॉट द एरर में दो क्वेश्चन है आपके पास इस सेंटेंस में, दे ऑल सेड हाउ मार्वलस इट वाज डेड। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, पास्ट से, तो पास्ट के बाद डेफिनेटली सेकंड पार्ट भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में। लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट में, विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, कि आप नोज के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, न्यू के साथ, क्योंकि पास्ट के बाद हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एज सून एज, पहली बात, जैसे ही सेंटेंस में आप एज सून एज का वर्ड पढ़ेंगे तो ये एक बात पल्ले बांध लेंगे, आपको दो बातें याद रखनी है, हम इसके साथ देन का, हम इसके साथ टी एन देन का वर्ड यूज कभी भी नहीं करेंगे, इसका हम पेयर किसके साथ बनाते हैं, कॉमा के साथ, पहली बात। दूसरी बात, दोनों टेंसेज हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ही रीच और उसके बाद कैप्ट और उसके बाद सेट डाउन, सारा सारे टेंस किस में लिखे हुए हैं, पास्ट इंडेफिनेट में लिखे हुए, दोनों क्लॉजेस का हमारा टेंस सेम होगा। उसके बाद देन लिखा हुआ है, देन नहीं आएगा, एज सून के साथ हमें देन नहीं लिखना होता, एज सून एज के साथ हमें क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। दो बातें आपने एज सून एज के लिए याद रखनी है, अगर आपका सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देन टी एच ई एन देन या टी एच ई एन देन नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या लिखना है, कॉमा लिखना है, पहली बात, दोनों क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए, और दोनों क्लोजेस का टेंस आपने सेम लिखना है। अगर पहले में प्रेजेंट आएगा तो दूसरे में भी प्रेजेंट आएगा, अगर पहले में पास्ट आएगा दूसरे में पास्ट आएगा, पहले में फ्यूचर आएगा तो दूसरे में भी फ्यूचर आएगा। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली, टी एच ई एन देन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। उसके बाद आपको एंटोनिम्स देखने हैं, न्यूट्रल का एंटोनिम डेफिनेटली हमारे पास क्या होंगे, क्या होएगा, बाइस्ड होगा। उसके बाद अगेन आपको ऑपोजिट देखना है, जो विनाइल हम बोलते हैं इमेच्योर को, यहां पर इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, मेच्योर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्लॉब्ड, प्लॉब डेफिनेटली सिनोनिम आपको चाहिए, सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, सपरेट। और क्विंच हमारे लिए वर्ड, हमारे पास वर्ड होता है क्विंच, और इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, शेड, टू सेटिस्फाई, टू कंप्लीट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है, सम पीपल बिलीव डैट वाटर बिकम्स डैश इफ इट इज ब्लेस्ड थ्रू प्रेयर।
अगर पानी पर दम किया जाता है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, तो डेफिनेटली वो प्रेशियस नहीं बनता, इवल नहीं बनता, टिपिकल नहीं बनता, बल्कि वो क्या बनता है, होली बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद आई रेड येस्टरडे डेट अ कैंडी बार हैड थ्री टाइम। अब थ्री टाइम तो नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, थ्री टाइम्स। इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, एल बीटा और डेल्टा। उसके बाद आपके पास है अल्फा और चार्ली में एज मच शुगर। अब डेफिनेटली जब आपने एज मच लिखा है, तो उसको आप कंप्लीट भी किसके साथ करेंगे, एज के साथ ही। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एज मैनी के साथ लिखते हैं, तो आगे कंप्लीट किसके साथ करते हैं, एज के साथ। आप एज सोन लिखते हैं, तो आप उसको कंप्लीट किसके साथ करते हैं, एज के साथ। तो अल्फा में लिखा हुआ है एज मच शुगर देन, हम देन नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें एज को किसके साथ कंप्लीट करना होगा, एज मच शुगर एज आ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, आपको देखना है द प्राइम मिनिस्टर अकम्पनीड बाय द गवर्नर डैश द प्रेसिडेंट अप टू द हाउस। अब जब हमारे सेंटेंस में दो नाउन दो सब्जेक्ट लिखे हुए हो और उन दोनों को कंबाइन किया गया हो अकम्पनीड बाय के साथ, तो इट मीन्स हमें प्रेफर करना है फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन को प्रेफर करेंगे, तो फर्स्ट वन को प्रेफर करने के लिए हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली होगा। और ये सिर्फ कंपनी बाय के वर्ड नहीं है, ये वर्ड हमारे पास कौन से हैं, विद है, ये वर्ड हमारे पास कौन सा है, अलोंग विद, ये वर्ड हमारे पास कौन सा है, टुगेदर विद, ये वर्ड हमारे पास इन एडिशन टू है, एज वेल एज है, अलाइक है, अनलाइक है, एक्सेप्ट है, बट ऑफ है, और अकम्पनीड बाय। ये वर्ड आपने याद रखने हैं। हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, फर्स्ट वन के साथ। अब आगे चलते हैं, तो लीडिंग तो कोई टेंस नहीं होता आईएनजी जब तक उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लीडेड कोई फॉर्म ही नहीं होती है, लीड फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। इसके साथ हम ईडी का एडिशन नहीं करते हैं। बाकी हमारे पास वर्ड बचे हैं दो, लीड और लेड। अब अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, तो प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना होता है, ऐसे ही इसका एडिशन करना होता है। इट मींस हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। हम इसे पास्ट में लिखेंगे और पास्ट में लिखने के लिए हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। ये याद रखना है कि सिर्फ ये नहीं देखना कैसा आएगा, या ये आएगा या नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, आपको हर पॉसिबिलिटी को देखना है। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अगर हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो साथ एस का एडिशन लाजमी होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया हुआ, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा नहीं हो सकता। हम इसको प्रेजेंट की बजाय किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे, और जब पास्ट में लिखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट ऑफ डैश। प्रेपोजिशन के बाद हमने जब भी प्रोनाउन लिखना होता है, प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये रूल आपने पढ़े हैं, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जेरेंड से पहले पोजेसिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, देन के बाद एज सून एज के बाद, सो प्लस एज के बाद, एज प्लस एज के बाद, सो प्लस एज के बाद, प्रोनाउन का वही केस आएगा जो उससे पहले आया हुआ था। ये सारे रूल्स आपको अनयूजुअल यूजेज ऑफ प्रोनाउन में बताए गए हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद आपको लिखना ऑब्जेक्टिव केस, इट मींस दो ऑप्शन आपके वैसे ही गलत होते हैं, वी डोंट होल्ड और वी डजंट होल्ड। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं अस के साथ। अब जब हम अस लिखेंगे, तो हम डजंट तो लिखते नहीं है, डजंट हम तब लिखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे चलेगा, मोस्ट ऑफ अस डोंट होल्ड विद दिस थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। पहली बात प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और दूसरी बात क्या है कि चूंकि अस है, तो इसके लिए हम डजंट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन अराइव्ड 30 मिनट्स। देखें क्विकली तो यहाँ पर नहीं होगा, क्विकली और सून का मतलब क्या होता है, जल्दी। अब जल्दी नहीं है, हम लेटली अर्ली में से अगर देखेंगे, तो लेटली का मतलब कभी भी टाइम के लिए नहीं होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। तो 30 मिनट्स रिसेंट तो हो नहीं सकता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अर्ली, जल्दी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कैसे चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ, जहां पर आ लार्ज नंबर ऑफ आ गया, तो आपका आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अपेयरिंग नहीं हो सकता, ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं लिखा जा सकता, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम अपीयर्स नहीं लिखेंगे। अपीयर्स कोई फॉर्म नहीं होती है, अपीयर तो फॉर्म होती है, लेकिन साथ इसका एडिशन क्या हुआ, इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। अ लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स एंड फिगर में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर हमारे पास क्रैश टू की जो सीरीज टू का क्रैश टू, इसकी डिस्कशन खत्म होती है। कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन हो, तो आप लोगों ने जरूर रब्ता करना है। विश यू ऑल द बेस्ट तमाम बेटों और बेटियों के लिए, नेक।
तमन्नाएं नेक दुआएं, पास उसने करना है, कामयाब उसने करना है जिसने कोशिश करनी है। अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता है, जितनी कोशिश कर सकते हैं कर लें, आखिरी दिन है, आखिरी ओवर है, जितने छक्के मार सकते हैं मार लें। विश यू ऑल द बेस्ट।